नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा में सभी राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, तो ऐसे में भाजपा भी कहां पीछे रहने वाली थी। वैसे देखा जाए तो बीजेपी को जहां लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा, तो अब भाजपा नहीं चाहती कि वैसा ही हाल, वैसी ही सिचुएशन जो है बीजेपी की विधानसभा चुनाव में हो, वैसी ही सिचुएशन जो है भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव में बने, तो उसको लेकर भी बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी, यानी कि विधानसभा चुनाव पर निशाना भाजपा ने साध दिया है। हालांकि देखा जाए तो भाजपा इन दिनों कई बड़ी समस्याओं से जूझती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां भाजपा के अंदर ही बगावत देखने को मिल रही है, एक तरफ जहां भाजपा का संगठन कमजोर हो चुका है, एक तरफ जहां बीजेपी के सीनियर लीडर अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले खड़े हैं, एक तरफ जहां अपने ही नेताओं की नाराजगी भाजपा को झेलनी पड़ रही है, तो वही बीजेपी ने अब तीन ऐसे मुख्य चेहरों के ऊपर दांव लगा दिया है जिनके ऊपर ही पूरा विधानसभा चुनाव डिपेंड करने वाला है, निर्भर रहेगा, सारी जिम्मेवारी उन तीन नेताओं के कंधों पर डाल दी है। लेकिन बड़ा सवाल यही बनता है कि जो नेता चुनाव के दौरान अपनी राजनीतिक जमीन बचाने में नाकाम रहे, फेल साबित रहे, क्या वो भाजपा को हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगवाने में सक्षम है, तीसरी बार जीत दिलाने में कामयाब रहेंगे, सफल रहेंगे, इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की जिम्मेवारी जो है तीन नेताओं के कंधों पर डाल दी है, जिसमें पहला नाम है मुख्यमंत्री का, यानी कि नायब सिंह सैनी। हालांकि कुछ समय पहले तक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी नायब सैनी के पास ही थी, क्योंकि जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे तो उस समय ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर नायब सिंह सैनी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि जो भाजपा के प्रदेश की इकाई है उसका मुखिया जो है नायब सिंह सैनी को बनाया गया था। लेकिन जब मनोहर लाल खट्टर ने सीएम कुर्सी छोड़ी तो उन्होंने अपनी जगह पर अपने चेले, अपने करीबी, अपने घनिष्ठ नायब सैनी को ही स्थापित कर दिया, काबिज कर दिया। तो ऐसे में दोनों जो है बड़े पद, दोनों बड़ी जिम्मेवारियां नायब सैनी के पास ही थी चुनाव से पहले से ही लगातार, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि नायब सिंह सैनी कहीं ना कहीं दोनों जिम्मेवारियों को लोकसभा चुनाव में निभाने में नाकाम रहे, और उसी का नतीजा यह रहा कि 2019 में जहां भाजपा 10 सीटें जीती तो वही 2024 में सीटें घटकर सिर्फ 5 बची। ऐसे में 5 सीटों पर नुकसान झेलने के बाद बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी किसी स्वतंत्र नेता को, यानी कि जिसके पास कोई अन्य बड़ी जिम्मेवारी ना हो, उसको सौंपने का कहीं ना कहीं बेड़ा उठाया, उसकी तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि अब नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष पद से तो हटा दिया, लेकिन वो प्रदेश के मुखिया हैं, और अमित शाह जो कुछ दिन पहले हरियाणा पहुंचे उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि नायब सिंह सैनी ही बीजेपी के मुख्य चेहरा हरियाणा प्रदेश में रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं पूरा जो विधानसभा चुनाव है वो नायब सैनी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हाईकमान ने भी अपना पूरा भरोसा नायब सैनी के ऊपर जता दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि वही नायब सैनी जिनकी पत्नी ने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा, जिला परिषद का चुनाव लड़ा, और कहीं ना कहीं उनको हार का सामना नहीं बल्कि करारी हार का सामना करना पड़ा था। खुद सांसद रहते हुए नायब सिंह सैनी जो अपनी पत्नी को जिला परिषद का चुनाव तक नहीं जितवा पाए, जो अपनी पत्नी को जिला पार्षद नहीं बना पाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मिल गई, मुख्यमंत्री का पद तो मिल गया, हरियाणा प्रदेश में उनका कद तो बढ़ गया, लेकिन क्या वो बीजेपी को हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव जितवाने में सक्षम है, यहां कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है और सवालिया निशान जो है बीजेपी के ऊपर खड़े होते हैं। और अगर वो वास्तव में ही बीजेपी को चुनाव जितवाने में सक्षम नहीं है, फिर भी भाजपा उसी नेता के ऊपर इतना भरोसा क्यों जता रही है, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब बात की जाए भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष की, जो मुख्यमंत्री के बाद दूसरा बड़ा चेहरा है जिनके ऊपर पूरे विधानसभा चुनाव की जिम्मेवारी रहने वाली है, यानी कि ग्राउंड से लेकर और ऊपर तक संगठन को किस तरीके से संजोना है, किस तरीके से जोड़ना है, मजबूत करना है, उसकी नींव को मजबूत करना है, यह पूरी जिम्मेवारी जो है अब प्रदेश अध्यक्ष की रहने वाली है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए बीजेपी को अपना
जो पिछले चुनाव का परिणाम है उसको भी ध्यान में रखते हुए काम शुरू करना होगा, तेजी से शुरू करना होगा। और ऐसे में नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात की जाए, जो सोनीपत जिले के राई हलके से भाजपा विधायक मोहनलाल बड़ोली हैं, यानी कि यहां पर बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड खेलने का काम किया ताकि पिछड़ा वर्ग के बाद अब जो है ब्राह्मण वर्ग को, ब्राह्मण वर्ग के वोट बैंक को अपने साथ जोड़ा जा सके, अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ये भूल गई कि एक नए नेता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है, नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में कई अनुभवी और पुराने नेता भी शामिल थे जिनको नजरअंदाज करते हुए, जिनको दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं भाजपा ने घर बैठाने का काम किया और कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंप दी। लेकिन यहां भी एक बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि मोहनलाल बड़ोली जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हारकर आए हैं, तो क्या वो बीजेपी को प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उनमें सरकार बनवाने में सक्षम रहेंगे? क्या वो भाजपा को जितवाने में कामयाब रहेंगे? वही बात की जाए तीसरे बड़े चेहरे की, तो वो चेहरा है हरियाणा में चुनाव प्रभारी की जिम्मेवारी जिस नेता को दी गई, सतीश पूनिया। हालांकि पूर्व में भाजपा के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, विधायक तक रह चुके, लेकिन एक साल पहले जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे तो सतीश पूनिया अपनी सीट नहीं बचा पाए। हालांकि वर्तमान विधायक रहते हुए भी वो चुनाव हार जाते हैं, और ऐसे में उसी नेता को अगर हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जिम्मेवारी सौंपी जाती है, तो यह कहा जा सकता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अब आंख मूंद कर नेताओं को जिम्मेवारियां सौंप रही है, और कहीं ना कहीं बीजेपी अपने हाल का आने वाले समय में खुद जिम्मेवार होगी। क्योंकि जो नेता वर्तमान विधायक रहते हुए चुनाव के दौरान अपनी सीट नहीं बचा पाया, वो नेता क्या वास्तव में ही हरियाणा में भाजपा को सत्ता की हैट्रिक लगवाने में कामयाब होगा, तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनवाने में सफल रहेगा? ये सवालिया जो है निशान है अब भाजपा द्वारा जिन तीन बड़े चेहरों को जिम्मेवारियां सौंपी गई है उन पर खड़े होते हैं। सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री नायब सैनी का, दूसरा नाम है भाजपा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का, और तीसरा जो नाम है वो हरियाणा में चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया का। तीनों नेता जो चुनाव के दौरान अपनी राजनीतिक जमीन बचाने में असफल रहे, नाकाम रहे, और अब जो है उन्हीं नेताओं को बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनवाने की जिम्मेवारी दे दी गई, तो ऐसे में इन नेताओं के ऊपर बीजेपी का हाईकमान, बीजेपी पार्टी इतनी मेहरबान क्यों है? बीजेपी जो है इतनी मेहरबानी इन नेताओं के ऊपर क्यों कर रही है? बीजेपी जो इतना भरोसा इन नेताओं के ऊपर बार बार क्यों जता रही है? यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता को इस बारे में क्या लगता है, क्या वास्तव में ये तीन जो चेहरे हैं, ये तो तीन बड़े नेता हैं जिनको पूरे हरियाणा विधानसभा चुनाव की जिम्मेवारी सौंप दी गई है, जो तीनों नेता चुनाव में सर्वे सर्वा रहने वाले हैं, क्या वास्तव में ये भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रहेंगे? क्या ये वास्तव में ही अपनी रणनीति के तहत बीजेपी को जिताने में कामयाब रहेंगे? क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।